अपने मैरिज से दुखी होकर वाइफ हस्बैंड के सामने अलग अलग आदमियों के साथ अफेयर कर रही थी। अचानक से उसके बॉयफ्रेंड गायब होने लग जाते और सारा शक उसके पति पर था। वो इतना डेंजरस होने के बाद वो उसके साथ क्यों रह रही थी? क्या इन सब चीजों का कोई अंत है? या हम आज की हमारी मूवी डीप वॉटर 2022 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। ये एंडिंग में एक बहुत ही अच्छे से ट्विस्ट के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर विक ये अपने माउंटेन बाइक पर जरा राइड कर घर पर वापस आता है। स्टेयर पर बैठकर उसकी वाइफ मिलिंडा उसे देख रही थी। उसे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहते कि कुछ भी नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है और यही सीन मूवी के लास्ट में भी है। इसके बाद हमारी मूवी एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। मिलिंडा और विक को एक छोटी सी बेटी है और आज वो एक पार्टी के लिए जा रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने बेबी सीटर को बुला लिया। मिलिंडा कन्फ्यूज थी कि उसे क्या पहनना चाहिए, तो विक उसे हेल्प कर देता है। उसने मिलिंडा को अपने हाथों से शू पहना दिए। मिलिंडा उसे कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर विक ने उसे आई लव यू नहीं कहा। पार्टी में जाने के बाद विक एक यंग लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगे, जिसका नाम था जोल। पहले भी उसका अफेयर रह चुका है और इसी वजह से विक उस पर थोड़ा सा नाराज था। विक उन्हें फॉलो करता है तो उसने मिलिंडा को किस करता हुआ उसे देख लिया। पार्टी में इन दोनों को एक साथ देखकर विक के फ्रेंड ने उससे बात की। उसने कहा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तुम्हें मिलिंडा को कन्फ्रंट करना चाहिए। विक कहता है कि उसकी लाइफ है, उसके चॉइसेस है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाकी के फ्रेंड्स ने भी मिलिंडा का अफेयर नोटिस किया था और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। मिलिंडा पार्टी में पियानो बजाने लग गए और सब लोग इसे एंजॉय करते हैं। हैंग आउट करते हुए जोल विक से बात करता है। उसने कहा कि तुम्हें मेरी और मिलिंडा की फ्रेंडशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बहुत ही अच्छी है। बाकी के हस्बैंड जेलस हो जाते पर तुम बहुत कूल हो। विक कहता है कि इस टाउन में एक आदमी रहता था जो 2 महीने पहले गायब हो गया, वो भी मेरी वाइफ के बहुत करीब था। जोल कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उसे मार डाला है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। विक कहता है कि अगर तुम बिलीव नहीं करना चाहते तो मत करना। जोल पार्टी से जाने लग गया तो मिलिंडा उसका पीछा करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो डर गया था तो वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त मिलिंडा विक से पूछती कि तुमने उससे बात की थी, तुमने उससे ऐसा कहा क्या? विक उसे कुछ भी नहीं बताता। घर आते ही मिलिंडा ने बेबी सिटर के सामने सारे कपड़े निकाल दिए। विक उसे इसके लिए मना करता है। मिलिंडा एक अलग कंट्री से थी जहाँ पर एक फ्री एनवायरमेंट था, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस में रहना उसे अच्छा नहीं लगता। विक कहता है कि अगर तुम्हें अफेयर करना ही था तो किसी स्मार्ट आदमी से करती। मिलिंडा पूछती कि क्या तुम्हें स्मार्ट लड़की अच्छी लगती है। उसे लगता था कि वो इतनी स्मार्ट नहीं और इसी वजह से विक उसे पसंद नहीं करता। एक्चुअल में विक ने एक स्पेशल टाइप के ड्रोन्स बनाए थे जिससे आदमियों को लोकेट किया जा सके। उसके पास बहुत सारे पैसे थे और अब वो रिटायर हो चुका था। उसकी बेटी भी उसी की तरह स्मार्ट है और इस पर वो बहुत प्राउड था। बेटी को उसने स्कूल में ड्रॉप किया और वहां पर अपनी एक फ्रेंड से मिलता है। फ्रेंड कहती कि तुमने मर्डर कर दिया और मुझे बुलाया तक नहीं। एक्चुअल में जो बात विक ने जोल से कही थी इसके बारे में सबको पता चल गया था और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। इस पर विक हंस देता है और अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए चला गया। फ्रेंड्स भी कहते कि तुमने जो उसे बात कही थी इसके बारे में सबको पता है। मिलिंडा को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। जब विक घर पर आया तो मिलिंडा को भी यह बात पता चल चुकी थी, उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहती कि जोल मेरा फ्रेंड था और मैं उसे मिस करती हूँ, तुम्हें उसे सॉरी कहना पड़ेगा। उसने जोल को डिनर के लिए बुलाया हुआ था। जोल को अंदर बुलाता है, ड्रिंक देता है। विक की बेटी ने पूछा कि मदर जोल के सामने इस तरीके से क्यों बिहेव करती है। विक कहता है कि लोग जरा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनकी बेटी को जोल थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। विक ने जो डिनर बनाया था इससे जोल एलर्जिक था और वो खा नहीं सकता। वो उसके लिए कुछ अलग बना देता है और मिलिंडा भी वही डिनर करती है। बातों बातों में पता चलता है कि मिलिंडा की ड्रिंकिंग की आदत विक को अच्छी नहीं लगती। मिलिंडा ने कहा कि तुम नॉर्मल नहीं हो। विक कहता है कि अगर मैं नॉर्मल होता तो जोल यहाँ पर बैठा नहीं होता। मिलिंडा कहती कि ऊपर जाकर अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनाकर वो नीचे आता है तो मिलिंडा जोल के साथ थी। विक ने बर्तनों की आवाज की। मिलिंडा कहती कि मैं ड्रिंक लेने के लिए जा रही हूँ तो जोल से जरा बात करो। जोल कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी नहीं कहना चाहते। विक कहता है कि मैं क्यों सॉरी को, मैंने उस आदमी का एक्चुअल में हैमर लेकर मर्डर किया था। तुम्हारी उबर आ गई है। जोल कहता है कि मैंने तो ऑर्डर नहीं की। विक ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी। जोल डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम इन्हें और एक पार्टी में देखते हैं, जहां पर इनका फ्रेंड लियोनल यहाँ पर रहने के लिए आया हुआ था, जो एक बुक राइटर था। वो विक से पूछता है कि तुम करते क्या। जब उसे उसके ड्रोन्स के बारे में पता चला तो उसने कहा कि तुम्हारे ड्रोन से लोगों की जान ली जाती है। विक ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम फूड ड्रॉप करने के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। उसके काम की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है इससे विक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो रिच है और यही बात इनफ थी। लियोनल को विक के धमकी के बारे में भी पता था
और इस तरीके से किसी को भी धमकी देना ही उसे अच्छा नहीं लगता। सब लोग जब डांस कर रहे थे तो विक लियोनल की वाइफ जैकी के साथ डांस करने लगता है। ये सिर्फ मलिंडा को जेलस फील कराने के लिए डांस कर रहा था, वैसे वो कभी भी पार्टी में डांस नहीं करता था। सब लोग उसे इतना अच्छा डांस करते हुए देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मलिंडा ने विक से पूछा कि क्या तुम्हें वो अच्छी लगी। उन्हें देखकर जेलस हो गई थी। वो कहती कि अगर तुमने मुझ पर चीट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद घर आकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जब वो दोनों अपनी बेटी की गेम पर गए थे तो विक को कॉल आया। मलिंडा ने बैंक से $3,000 का चेक कैश आउट करने की रिक्वेस्ट की थी। ये चेक जिस आदमी के नाम पर था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन विक करने लगता है। उसे पता चला कि उस आदमी का नाम है रिकी और वो पियानो बजाता है। उसे एक बार देखकर आता है। मलिंडा का रिकी के साथ भी अफेयर स्टार्ट हो गया था, इसी वजह से रात में वो लेट घर पर आती थी। टीवी पर न्यूज आई थी कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है। इसके बारे में विक उसे बता देता है। मलिंडा को विक पर ही शक था। इनकी बेटी ने यह सब बात नोटिस की थी और पूछती है कि क्या मदर ठीक है। विक कहता है कि अपनी फ्रेंड की वजह से वो थोड़ी सी सैड है, पर वो ठीक हो जाएगी। उसने रिकी को फूल ले जाते हुए नोटिस किया। वो घर पर आने के बाद उन्हीं फूलों को देखता है, इसका मतलब है विकी उनके घर पर था। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के साथ रिकी को देखने के लिए गया। वो फ्रेंड को रिकी और मलिंडा के बारे में बता देता है। विक के स्नेल्स को पालने की हॉबी थी। वो जब रिकी और मलिंडा को एक साथ इमेजिन करता है तो इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। एक दिन रात भर वो घर पर नहीं आई, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। विक ने उसे कन्फर्म किया कि तुमने $3,000 रिकी को क्यों दिए थे, पर मलिंडा इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं कहती। विक ने पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी, क्या कर रही थी। मलिंडा कहते कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, अगर तुम मुझे सही से पूछोगे तो सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगी। हम दोनों कल रात एक साथ थे, उसने मेरी बॉडी पर मार्क भी छोड़ा है। विक ने कहा कि हम दोनों का एक साथ बेटी है। मलिंडा कहती कि तुम्हारी चॉइस थी। विक ने कहा कि तुम अब उससे नहीं मिलोगी। मलिंडा कहती कि अगर मैं मिली तो तुम करोगे क्या, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो तुम इतना ज्यादा बोर हो जाते कि अपने आप को मार डालते। इसके बाद कुछ दिन गुजर चुके थे। पार्टी में हम सब लोगों को देखते हैं और वहां पर रिकी भी था। मलिंडा रिकी को पियानो बजाने के लिए कहती है। ये सब देखकर विक अपसेट हो गया था। मलिंडा उसके पास आ गई और पार्टी में सबके सामने उसे प्लीज करने लग जाती है। बाद में उसने विक और रिकी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। रात में विक मलिंडा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाता। घर में उसने ऊपर से मलिंडा और रिकी की आवाजें सुनी। वो स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाता है तो थोड़ी देर में वो भी वहां पर खेलने आ गए। इन दोनों की करीबियां देखकर वो जेलस हो गया था। मलिंडा उसके सामने रिकी को किस करने वाली थी पर वो उसे देख लेती है। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई तो सब लोग घर में चले जाते हैं। फाइनली स्विमिंग पूल में विक और रिकी दोनों अकेले ही थे। ऊपर से बाद लियोनल देख लेता है। थोड़ी देर में विक अंदर आ गया, सब लोगों से बात करता है। जब वो कुकी उठाता है तो उसका हाथ जल जाता है। मलिंडा को रिकी कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। उसने बाहर देखा तो डायरेक्टली रिकी की डेड बॉडी देखती है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। सब लोग जल्दी से वहां पर भागे और उसे CPR देने का ट्राई करते हैं। उसे पूल के एज पर लाते हुए उसके सर पर चोट आ गई। विक और उसके फ्रेंड्स की बहुत कोशिश करने के बाद भी रिकी बच नहीं पाता। वो ऑलरेडी डेड था। पुलिस को बुलाया जाता है। यहाँ पर सब लोग ड्रंक थे और उन्होंने थोड़े से नशे भी किए थे। पुलिस ने पूछा कि लास्ट टाइम रिकी के साथ कौन था। विक का फ्रेंड कहता है कि मैं और विक घर में आ गए थे। कुकी उठाते वक्त विक का हाथ जला था, ये बात भी सब लोगों को याद है। मलिंडा गुस्से में कहती कि विक ने उसे मार डाला। विक के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था। लियोनल सीक्रेटली जाकर पुलिस से बात करता है। पुलिस ने फिर अकेले में विक से बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। विक कहता है कि मुझे पता था पर मैंने इसे क्वेश्चन नहीं किया था। मेरी वाइफ जो भी करती है वो जैसे भी है, मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो डायरेक्टली उसे पूछते हैं कि क्या तुमने उसका मर्डर किया है, पर विक इसके लिए मना करता है। सब लोगों ने जो स्टोरी बताई थी यही स्टोरी उसने भी कंटिन्यू की। मलिंडा घर आते वक्त बहुत रोई। वो कन्फर्म थी कि विक ने रिकी को मार डाला है। बाद में विक उसे बात करता है, पूछता है कि अब क्या होगा, क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। मलिंडा कहती कि पागलों जैसी बातें मत करो। विक कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने रिकी को मार डाला था, क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे। मलिंडा कहती कि तुमने मेरी वजह से उसे मार डाला है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो इस वजह से उसे वो नहीं डरती। अगले दिन विक जब राइडिंग के लिए गया तो रिकी को उसने किस तरीके से मारा इसके बारे में सोच रहा था। एक कार को नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही थी। आज जब वो अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए गया तो सरप्राइज था कि वहां पर जैकी भी मौजूद थी, जिसकी बेटी इस स्कूल में नहीं पढ़ती। जैकी ने कहा कि मैं तुमसे प्राइवेटली बात करना चाहती थी और घर पर ये सब बातें वो नहीं कर सकती। एक्चुअल में उसका हस्बैंड लियोनेल और मिलिंडा ये दोनों मिलने लग गए। उन दोनों को लगता है कि विक ने मर्डर किया है और ये प्रूफ करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए विक कहता है कि लियोनेल को मेरे घर पर बुला लो, मैं उससे बात कर लूंगा। ये सब लोग डिनर के लिए मिले। विक लियोनेल को अपने स्नेल्स का कलेक्शन दिखाता है।
उसने कहा कि प्लीज किसी को भी मत बता कि मैंने रिकी का मर्डर किया था। लियोनल कहता है कि इस तरीके से स्विमिंग पूल में डूबकर कोई नहीं मरता। विक ने कहा कि ऐसे एक्सीडेंट तो होते ही रहते। लियोनल ने कहा कि मिलिंडा के और एक एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने रूमर फैलाई थी कि तुमने उसे मार डाला है। ये बताते हुए उसे मजा आ रहा था। विक ने ड्रिलर निकाला तो लियोनल डर गया, पर विक सिर्फ एक नेल लगा रहा था। लियोनल कहता है कि क्या तुम लाइट डिटेक्टर टेस्ट ले सकते हो। विक कहता है कि मैं कभी भी ले सकता हूँ। एक दिन स्ट्रीट से जाते हुए विक ने वही कार को नोटिस किया जो उसका पीछा कर रही थी। आसपास उस आदमी को ढूंढने लग गया तो आदमी मिलिंडा के साथ बैठा हुआ था। जाकर वो डायरेक्टली उनसे बात करता है। मिलिंडा उस आदमी को एज अ साइकोथेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस करवाती है। विक ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ जरा पागल है। यही पर ये दोनों झगड़ने लग गए तो आदमी कहता है कि तुम दोनों को कपल्स की थेरेपी में जाना चाहिए। विक ने उस आदमी से उसका कार्ड मांगा, पर उसके पास कोई भी कार्ड नहीं था। विक समझ गया था कि वो आदमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और मिलिंडा और लियोनल ने मिलकर उसके पीछे उसे लगाया हुआ है। वो डायरेक्टली लियोनल के घर पर पहुंच जाता है। वो जैकी को बता देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगाया हुआ था। उसने मिलिंडा के बैंक के स्टेटमेंट चेक किए थे जिसमें उसका प्रूफ है। इन सब बातों के लिए जैकी उसे सॉरी कहती है, पर लियोनल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो घर पर आता है तो उसने देखा कि मिलिंडा किसी और को मिल रही थी। ये एक बहुत ही अमीर लड़का था जिसका नाम है निक। वो जहाँ पर भी जाते उनका वो पीछा करता है। रात में विक जब अपनी बेटी को नहला रहा था, सब लोग मुझसे यही बात पूछ रहे हैं। विक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे, तो इसके बारे में किसी से भी बात मत करना। उसकी डॉटर कहती कि पर तुमने उसे मार डाला था। विक सिर्फ इस बात पर हंस देता है। रात में मिलिंडा जब निक से बात कर रही थी तो ये सब कुछ विक सुन रहा था। उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मिलिंडा और निक ये दोनों ब्राजील जाने का प्लान कर रहे हैं। मिलिंडा अपने साथ इनकी डॉटर को भी लेकर जाने वाली है और वहीं पर रहने वाली है। इस बात से विक गुस्सा हो गया। मिलिंडा ने विक से बात करना ही छोड़ दिया था। एक दिन वो निक को लंच के लिए बुला लेती है। विक के स्नेल के गार्डन में दोनों मिले। निक को भूख लगी थी, फिर भी विक उसे लेट खाना देता है। निक कितना सक्सेसफुल है इस सब के बारे में विक को बता देती है। मिलिंडा ने कहा कि जब मैं अमेरिका में आई थी तो निक से फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुई थी। ये सब वो विक के सामने बोल रही थी तो इससे निक एम्बैरस्ड हो जाता है। निक ने कहा कि हमें कुछ स्नेल्स खाने चाहिए। विक इसके लिए मना कर रहा था तो निक उसका मजाक उड़ाता है। विक ने कहा कि अगर हम स्नेल्स को ऐसे ही खाएं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। पहले हमें उन्हें खाली पेट रखना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसे मार सकते हैं। वैसे इस सीन में निक भी खाली पेट ही है। ये सब मिलकर हैंगआउट करते हैं और मिलिंडा निक को ऊपर लेकर के वो विक के सामने निक के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगले दिन टाउन में विक निक को मिलता है। उसने कहा कि मिलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, एक कंस्ट्रक्शन साइट हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। निक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है तो विक ने पूछा कि तुमने मिलिंडा के साथ ब्रेकअप क्यों किया था। निक कहता है कि मुझे अब याद नहीं है। विक बहुत ही ज्यादा फास्ट गाड़ी चला रहा था तो इस बात से निक डर गया। मिलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी रेंज नहीं आती। विक ने कहा कि मैं और मिलिंडा हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं। वो एक पत्थर उठाकर निक को मार देता है। माउंटेन से उसने उसे पुश कर दिया। तुरंत निक की डेथ हो जाती है। पास ही एक झरना था, वहीं पर वो निक को डुबा देता है। उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन उसने निकाल ली थी, यानी बॉडी को कोई भी पहचान ना पाए। इसके बाद वो घर पर आया। वो मिलिंडा से कहता है कि निक एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो एक्चुअल में स्मार्ट है। निक को मारने की खुशी में वो सेलिब्रेट कर रहा था। अपनी बेटी को भी वो ड्रिंक देता है। विक को कुछ फोटोग्राफी का भी शौक है। वो घर पर आया तो मिलिंडा कहती कि आज हम पिकनिक के लिए चलते हैं। कुछ दिन गुजर चुके थे फिर भी वो निक को कॉल नहीं कर पा रही थी, तो उसे लगता है कि निक उसे छोड़कर भाग गया है। उसने विक से कहा कि तुम ही एक आदमी हो जो हमेशा मेरी लाइफ में रहना चाहते हो। विक पूछता है कि क्या तुम मुझसे बोर हो गई हो। मिलिंडा कहती कि मैं बोर नहीं हुई, मैं सिर्फ थोड़ी सी सैड हूँ। विक ने अपने फोटोज का कलेक्शन निकाला और उसमें मिलिंडा की बहुत सारी ब्यूटीफुल सी फोटोज थी। वो जब प्रेग्नेंट थी वो भी उसमें एक फोटो है। ये सब देखकर मिलिंडा को बहुत अच्छा लगता है। विक ने नोटिस किया कि उनकी डॉटर झरने के पास जा रही है। उसे अंदर जाने से रोक लेता है और दूर से उसने देखा कि निक की डेड बॉडी अब तैर रही थी। इस प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना पड़ेगा। घर जाते वक्त मिलिंडा विक से कहती कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। विक कहता है कि कल सुबह जाकर मैं उसे लेकर आऊंगा। आज रात वो विक के साथ ही सोती है और ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह में विक माउंटेन पर चला जाता है। मिलिंडा उसे ढूंढने के लिए स्नेल्स की शेड में गई और वहां पर उसे निक का वॉलेट मिल गया। समझ गई कि विक ने उसे भी मार डाला है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपना बैग भरने लग गई। विक झरने पर पहुंच कर निक की बॉडी को फिर से डुबाने की कोशिश कर रहा था। मिलिंडा को कल ही शक चला गया था तो आज उसने लियोनल को वहां पर भेजा हुआ था तो उसे वो देख लेता है। बॉडी देखने के बाद लियोनल डर कर वहां से भागने लग गया। उसके पास कार थी पर एक माउंटेन है। विक वुड्स में से शॉर्टकट लेकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लियोनल खुश हो गया था कि उसे और एक बुक के लिए स्टोरी मिल गई है। वो हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका मोबाइल नीचे गिर गया।
पैरेलल में जब मिलिंडा की डॉटर देखती है कि मदर सब कपड़े भर रही है, तो सारी बैग लेकर उसने स्विमिंग पूल में डाल दी। वो कहती कि मैं डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लियोनल को रोकने के लिए विक डायरेक्टली उसके सामने आ जाता है। लियोनल ने उसे बचाने की कोशिश की, पर उसी की गाड़ी खाई में गिर गई। नीचे पानी था और एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। मूवी के फर्स्ट में हमने जो सीन देखा था वही हम देखते हैं। विक राइड लेकर घर पर आया और मेलिंडा उसका वेट कर रही थी। उसे पूछता है कि हुआ क्या। मेलिंडा कहती कि कुछ भी नहीं हुआ। उसने विक को बचाने के लिए निक का वॉलेट जला दिया था। मेलिंडा हमेशा से चाहती थी कि विक उसे पैशनेटली प्यार करे। जो भी उसके पास जाता था, तो विक अब डायरेक्टली उसका मर्डर कर रहा है। ये बात पता चलने के बाद मेलिंडा उसी के साथ रहने का डिसाइड करती है। वो भी रियलाइज करती है कि विक उसे बहुत प्यार करता है। अपनी बेटी का फ्यूचर और इस फैमिली को इस तरीके से वो बर्बाद नहीं कर सकती। ये दोनों जैसे भी थे एक साथ ही रहने का डिसाइड करते। इसी के साथ ही ट्विस्टेड मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।